This news is co-sponsored by Pramo Jewelers and Gift Center, Parthinagar, MRDC, Hina Road, Nagpur. नागपुर में महानगर पालिका के चुनाव नजदीक है. वहीं जनप्रतिनिधियों द्वारा पिछले 5 सालों में अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर तारीफें कर रहे हैं. वहीं प्रभाग 36 के नगर सेवक प्रबोध तभाने ने अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी. वैसे तो चुनाव के पहले भी आसपास 3 से 4 करोड़ के काम मैंने इस प्रभाग में किया हुआ, और चुन के आने के बाद जो लोगों का मेरा कहना था कि आप मुझे चुन के दीजिए, मैं इस प्रभाग 37 का चेहरा मोहरा बदल डालूँगा. और आने के बाद मैंने सबसे पहले इस प्रभाग में क्या क्या काम थे उसके लिए दौरा किया. जो भी काम था उसका दौरा कर मैंने एक लिस्ट तैयार की, और उसके बाद उसकी फाइल तैयार किया, और फाइल तैयार कर एक एक काम करते रहा. वैसे तो नगर सेवक को आसपास साल का 40 लाख मिलता है या 50 लाख पकड़िए, उस हिसाब से आप पकड़िए कि 5 साल में 1.5 करोड़ या 3 करोड़ के काम कर सकते हैं एक नगर सेवक. लेकिन हमारे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने मुझे आसपास इस प्रभाग में काम करने के लिए काफ़ी फंड दिया. आसपास 13 से 14 करोड़ मुझे इस प्रभाग के लिए दिए. मुझे और टोटल 4 नगर सेवक मिलकर आसपास हमारा जो विकासनामा बना इस प्रभाग का, आसपास 53 करोड़ का विकासनामा बना है. अभी इस 2 दिन पहले मैंने घर घर में अपना विकासनामा की जो किताब हमने तैयार की कि हमने इस प्रभाग में क्या क्या काम किए, उस हिसाब से हमने सभी को उस किताब का पहुँचाई है. सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँ कि सुभाष नगर, हमारे गोपाल नगर और सुभाष नगर कुछ स्लम बस्तियाँ है, सबसे पहले मैंने वहाँ का विकास करने का शुरुआत की. सुभाष नगर में मैंने आसपास दलित बस्ती से 70-75 लाख के रोड तैयार किए, आसपास 9-9 मीटर के. उसके बाद सुभाष नगर तुकंजिया कामगा कॉलोनी में आसपास मैंने 3 से 4 करोड़ के सीमेंट रोड, जो आप सोच नहीं सकते, गली गली वहाँ पे ऐसा सीवरेज जो गदर का पानी है बहता था, वहाँ मैंने पूरा डेवलपमेंट किया हुआ और सीमेंट रोड काफ़ी गलियों में सीमेंट डाला हुआ. वहाँ सबसे बड़ी समस्या थी सीवरेज लाइन की. वहाँ से एक बड़ी सीवरेज लाइन तुकंजनगर से लेते हुए गायत्री नगर में एक बड़ी सीवरेज लाइन डाला हूँ. आसपास एक काम बाकी है, आसपास मुझे उसके लिए 50 लाख लगते हैं, वो हो गया तो जितनी भी अंदर की जो टुकड़े गलियां है, अगर मुझे और 50 लाख का फंड मिला, अरे अभी आगे चुनाव है और मुझे टिकट मिलती है तो मैं 50 लाख का फंड लाऊंगा और जितनी भी कनेक्शन है टुकड़े नगर के वो बड़ी लाइन में डालने की प्रयास करूंगा. उसी प्रकार से एक सरस्वती में काफ़ी समस्याएँ थी, वहाँ पर आसपास एक नाला ऐसा था कि बहुत बड़ा बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है. वहाँ पर एक जहाँ पे एक ब्रिज है वहाँ पे 1 फुट का गड्ढा गिर गया था, जो कि कभी भी बच्चे की ट्रिप जाती है या वैन जाती है तो वो वहाँ दबता था. तो मैंने वहाँ 90 लाख माननीय मुख्यमंत्री निधि से लाके, देवेंद्र फडणवीस साहब के फंड से लाके, वहाँ 90 लाख का बड़ा नाला तैयार किया हुआ, यानी ब्रिज तैयार किया हुआ, वो भी एक काम बड़ा हुआ है. आसपास 50 लाख के डांबर रस्ते के बंडेश्वरी लाउट में मैंने रोड बनाए है. उसके बाद गोपाल नगर आते हैं, एक हमारा पर्सोनी बस्ती है, वहाँ आसपास मैंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और गौतम बुद्ध इनके 3,500 स्क्वेयर फीट में सुंदर स्मारक तैयार किया हूँ. उसके बाद पचौरी में सिविल लाइन की बहुत समस्या थी, वहाँ मैंने बहुत बड़ी गडर लाइन डाला हूँ. जूनी बस्ती है, जूनी बस्ती में आसपास 25 लाख की गडर लाइन्स और वहाँ का फ्लोरिंग का काम किया हूँ अभी. उसके बाद जो कभी सोच नहीं सकता है, हमारे कम से कम पिछले 25 साल से हमारे यहाँ काम, ये गोपाल नगर सेकंड बस स्टॉप पे एक नाला है जो लोगों के घर के बाजू से निकलता है, और वो नाले में रास्ता बंद रहता था, लोगों को जाने के लिए बहुत तकलीफ होती थी. वो नाले के अंदर मैंने सीमेंट डाला हूँ एक दूसरी लाइन डाल के. यही नहीं तो पूरे गोपाल नगर के रोड जितने बोलते हैं वो पूरे किए हैं. आज SBI कॉलोनी में आपके 1.25 करोड़ के हमने गट्टू बोलते हैं उसको, पेइंग ब्लॉक बोलते हैं, रोड बोलते हैं. उसके बाद इस प्रभाग में आसपास ग्रीन जिम जिसको बोलते हैं, 4 ग्रीन जिम मैंने लाए. उसी वक्त SBI कॉलोनी जनता हाउस में हमने ट्रैकिंग वॉकिंग के लिए ट्रैकिंग बैग, जो सुबह मॉर्निंग वॉक को लोगों के लिए सुविधा, घूमने के लिए लोगों गार्डन्स नहीं थे वो गार्डन्स जरूर किए. आज लोगों को घूमने के लिए प्रॉब्लम नहीं है. नहीं, हमारा 15 साल का यहाँ पे जो 15 साल यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी मेरे आने के पहले, तो हमारे नगर सेवक थे ही नहीं. और आप पूरे यहाँ पूरे बस्ती में आप सर्वे कर सकते हैं, आपको प्रमोद तवाई ने क्या काम किया, इसके पहले कॉपरेटर ने काम क्या किया, ये आपको पब्लिक बताएंगे. आप यही नहीं बताता हूँ, 20 साल पहले यहाँ का रोड बना था, इतना खराब हो चुका था, आपको बताता हूँ यहाँ सीमेंट रोड लिया गया है.
आप सीमेंट रोड बताता है, कोरोना के टाइम में यहाँ काम नहीं हो रहे थे, 13 सीमेंट रोड महानगर पालिका ने पास किए थे। पैसा जो स्टेट में सरकार बैठी है वो कांग्रेस ही बैठी है, शिवसेना यानी महाविकास आघाड़ी बैठी है, रोड के पैसा नहीं दे रहे थे। आप यकीन नहीं करेंगे, पिछले 6 महीने से घूम घूम के मैंने फाइल किया किया, इसके लिए माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुझे बहुत मदद की, यहाँ के कॉर्पोरेटर मेरे चारों कॉर्पोरेटर ने मदद की, हम चारों कॉर्पोरेटर लेके काम किया यहाँ पे। आप यकीन नहीं करेंगे, 13 रोड सैंक्शन होते, 12 रोड कैंसिल, 1 में गोपालन का रोड आया, उसका भूमि पूजन मैंने माननीय माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनके हाथ से गोपालन के थर्ड बस्टर में किया। और अभी रोड का काम शुरू है, अच्छा स्पीडली काम, थोड़ा काम स्लो था क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर किस में प्रॉब्लम था, लेकिन अभी काम स्पीडली शुरू है, लोगों की प्रतिक्रिया अच्छी आ रही है। और आप देखेंगे कि गोपालनगर का इतिहास चेंज हो रहा है, ये रोड बन गया ना, आप देखेंगे गोपालनगर बहुत ही सुंदर दिख रहा है। आप खुद जा सकते हैं और मार्केट में जाके लोगों की प्रतिक्रिया लिए कि आज जो सीमेंट रोड हो रहा है उसकी जो लेंथ है 40 फुट वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है 200% महानगर पालिका में। क्योंकि आपको बताता हूँ, सबसे अभी आपको मालूम है कि अभी तो ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन आज से 6 महीने पहले जो आज पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत देश में बोलो या पूरे वर्ल्ड में बोलो, कोरोना की महामारी यहाँ पे आई थी और काफ़ी परेशानी लोगों को हुई है, लेकिन उसके बावजूद हमने अपना जान की परवाह न करते हुए हमने एक महीना आई थी पार्क रोड पर लोगों को, दरोज के 3,000 लोगों को आसपास, एक महीना नहीं बोलते 41 डेज लोगों को आसपास 3,000 लोगों को दरों का खाना देकर काम किया हमने। और हमें पूरे सभी नगर सेवक, आप मैं सिर्फ गोपालन की बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के हर एक नगर सेवक नागपुर में लोगों के सेवे में हाजिर था, लोगों के लिए वो लड़ा। हमने भारतीय जनता पार्टी ने किस लोगों को दी, मैंने अपने जितना भी निधि था अपने जेब से पैसे खर्च करके लोगों के लिए मदद किया हूँ। और यही नहीं, लोग घर में बैठे थे लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक ये रास्ते पे था कोरोना पे। यही नहीं तो मैंने कम से कम 25,000 लोगों को अपना कोरोना वैक्सीन, जिसको बोलते हैं दत्ता मंदिर में मैंने कैंप लगाया और 25,000 लोगों को वैक्सीन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने हमारे नगर सेवक ने हमने किया है। तो इसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक काम ही करता है। और हमारी जो सरकार आने के बाद, और अभी जो आप देख रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी जब से आई है इस विदर्भ में उन्होंने कोई फंड दिया नहीं है। जब भी ऐसा होता है तो विदर्भ की दुर्लभ से किया जाता है, नहीं तो हमारे गड़की साहब है, देवेंद्र फडणवीस साहब है, इन्होंने कितना फंड लाया इतना महाराष्ट्र जब हमारी सरकार थी। आज आप देश समृद्धि हाईवे देखिए, जो काम हो रहे थे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के इसमें हो रहे थे, लेकिन मुझे लगता है नहीं कि कांग्रेस सरकार में कोई भी काम हो रहे है। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी काम करती है और काम के बदौलत ही आज उनका नाम है। आपल्या सौंदर्यात भर पाडण्याकरिता प्रमोद ज्वेलर्स घेऊन आलेत आकर्षक दागिन्यांचे भव्य दिव्य कलेक्शन। चला तर मग तयार होऊयात प्रमोद ज्वेलर्सच्या दागिन्यांनी नटायला। आमच्याकडे आहे सोन्या चांदीच्या दागिन्यांचे आकर्षक कलेक्शन, जिथे तुम्हाला मिळेल कर्णफुले, पाटल्या, मंगळसूत्र, राणीहार, वेडिंग रिंग आणि असंख्य व्हेरायटीजचा भांडार। तर आजच आपल्या आनंदी क्षणांना सुवर्णमयी बनवण्यासाठी आमच्या शोरूमला अवश्य भेट द्या। आमचा पत्ता प्रमोद ज्वेलर्स अँड गिफ्ट सेंटर, पारधीनगर, MIDC, हिंगना रोड, नागपूर।